बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी YouTube फैमिली, आई होप कि आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा, जिसके लिए मैंने कढ़ाही ली है। कढ़ाही में मैंने आधा केजी पानी ऐड किया है और पानी जो है ये गर्म हो चुका है और मैंने कीमे को अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और मैं पानी में ऐड करने लगी हूँ। कीमा है आधा केजी। और जिसके लिए मैंने आधा के जी प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने अच्छा सा बारीक कर लिया है, इनको भी मैंने वॉश किया है। और उसके बाद मैं लहसुन ऐड करने लगी हूँ। कीमा मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो मैंने कीमा और मटर बनाया था और आज मैं आलू कीमा बनाने लगी हूँ। और जिसके लिए मैंने दो अदर टमाटर लिए हैं और दो अदर अदर जो है ये ग्रीन चिली ली है, ये भी साथ में ऐड करने लगी हूँ। और एक टीस्पून जो साइलेट का ऐड करने लगी हूँ। और इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रखना है ताकि कीमा जो है ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। एक टीस्पून मैंने ऐड किया है साइलेट का। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अभी मैं इसको ढक्कन से डांपने लगी हूँ और 20 मिनट के बाद देखते हैं कैसा कीमा बनता है। देखिए जी, पानी जो है ये खुश्क हो चुका है और कीमा जो है ये अच्छी तरह से गल गया है। और मैं अभी ढक्कन जो है ये उठाने लगी हूँ और अभी इसमें मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 5-6 टीस्पून। देखिए, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं रेड वाली मिर्च जो है ये आधा टीस्पून ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रेड वाली मिर्च जो है ये ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अभी सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। इतनी नाइस इसकी खुशबू आ रही है। और आलू जो है उनको भी मैंने काट के रखा हुआ है, आधा केजी आलू हैं और इनको भी मैं ऐड करने लगी हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से गल जाए। अभी तकरीबन हमने इनको 10-15 मिनट के लिए भूनना है। कितना नाइस इसका कलर नज़र आ रहा है। बस आलू कीमे के सालन को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून ली है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त बना है। और अभी इसको एक बॉल में ऐड करते हैं। देखें भी बस बहुत ज़बरदस्त सालन बना है और इतना टेस्टी बना है। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।